भगवान आए। Okay, so hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। So guys, मेरा नाम है करण और आज किस नए वीडियो में guys हम करने वाले हैं guys कुछ इस टाइप की न्यू रील एडिटिंग, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा। तो आज की इस वीडियो में मैं एकदम कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसी एडिटिंग करनी है वाली, एंड आप लोग जो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड जो भी स्टॉक वगैरह होगा सारा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी चले गए आज किस नए वीडियो को जो है बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को जो है पे वीएन एप्लीकेशन अपनी वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेना है, एंड उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है, एंड यहाँ से जो है आप लोगों को एक फोटो को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं जो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना बाद में जाकर। चाहो तो टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी बैकग्राउंड पीएनजी जो भी होता है वहाँ पे वीडियो वगैरह सब मैं वहीं पर डाल देता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस टाइप से, एंड अपने मतलब पूरी वीडियो में एकदम फिट आना चाहिए, कहीं से कुछ गैप वैप नहीं रहना चाहिए। और जो इसकी लेंथ रखेंगे हम वो पूरी 100% रखेंगे, ठीक है, मतलब कि एंड तक एकदम यहाँ पे इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड वीडियो को दोबारा क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जो वीडियो हमने पहले ऐड करी थी अपनी स्टार्टिंग में, उसी वीडियो को हम यहाँ से दोबारा से ऐड करेंगे, एंड इसको जो है फुल साइज़ में रखना है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे इस तरीके से पकड़ के भी कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फिट करके, आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये फिट वाला, ऐसे कर दोगे तो भी ये चलेगा यहाँ पे, ठीक है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे चाहना आपको क्रोमा की में जब से जाओगे आप यहाँ पे सिंपली इसका जो है इस तरीके से पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग फिर क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को प्ले करके वह चेक कर लेना कि अच्छे से जो है बैकग्राउंड रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। बट गाइस यही जो काम है ना थोड़ा मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप लोग जो है ध्यान से करना और अच्छे से करना, ठीक है। नहीं होता है तो 2-3 बारी में करना, बट अच्छे से करना ताकि जो है बीच से कुछ दिखे ना, मतलब बैकग्राउंड वगैरह अच्छे से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना कर देना है, जब इतना काम हो जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों को फिर उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली स्टार्टिंग में चले जाना है एक बारी, वीडियो को पर एक बारी टैप करना है, एंड यहाँ पे फिल्टर में जाके एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आपको अपनी वीडियो को जो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर देना है, यानी कि थोड़ा डार्क कर देना है बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फटाफट कर लेना अपने वीडियो के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लेयर पर सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाने के बाद हम पहले इसका एक्सपोजर को जो है थोड़ा यहाँ पे कम कर लेंगे, ठीक है। एंड जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, एंड जो ब्राइटनेस है इसको थोड़ा कम कर लेंगे, सैचुरेशन जो है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे HSL में, ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कलर ग्रेडिंग में, फिर यहाँ पे क्या करेंगे ग्रीन कर लेंगे इसका, हम सैचुरेशन माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ल्यूमिनस भी कम कर देंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर डन कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्ले करके देखेंगे वीडियो को, तो अभी जो है गाइस जिसमें हमने इफेक्ट वगैरह को यूज़ नहीं किया है, तो अभी थोड़ी सी वीडियो उतनी खास नहीं लगेगी, बट अभी हम इसमें करेंगे, ठीक है सब कुछ। तो जब इतना काम हो जाएगा आप लोगों को, तो आपको दोबारा से एक बार ऐड फोटो में जाना है, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से एक वीडियो ऐड करनी है जो कि वर्ड्स की होंगी, ठीक है। तो उसको हम पहले ऐड कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको उसमें करना क्या है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही लोगों के वर्ड्स के वाला फोटो, मतलब फोटो नहीं वीडियो है, ठीक है, तो इसको जो है आपको ऐड कैसे करना है और उसमें मतलब कि क्या ब्लेंडिंग मोड रखना है वही मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है इसको भी इस तरीके से, यहाँ से हम इसको जो है फुल स्क्रीन कर लेंगे, और जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे सिंपली फ़िल्टर में, फ़िल्टर में जाने के बाद जो है यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड में, एंड यहाँ से ले जाने के बाद हम चलेंगे ब्लेंडिंग मोड में। ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, यहाँ पे आपको जो है एक एक करके चेक कर लेना कौन सा यहाँ पे सेट हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे डार्कन वाला एकदम परफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे हम जो है इसको डार्कन रखेंगे, एंड यहाँ पे जाएंगे मास्क वाले ऑप्शन में। मास्क वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे। रोटेट कर लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की साइड में इसको जो है थोड़ा सा हम इसका फीदर को जो बढ़ा देंगे, और जो है ऐसे हम इसको प्ले करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे बर्ड्स भी लग चुके हैं अच्छे से एकदम बढ़िया, ठीक है। अब इसमें जो बारी है, अब इसमें थोड़े से हमें जो है एनिमेशन वगैरह ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लगभग हमारी जो एडिटिंग है वीएन ऐप की वो हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सिंपली जो है यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप जो है मतलब सेव करके जो एनिमेशन वगैरह ऐड करना है, जो कि हम एनिमेशन वगैरह जो ऐड करेंगे वो करेंगे हम कैपकट ऐप में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन है और इफेक्ट वगैरह भी यूज़ करने में थोड़े थंडर वाले और ब्लर ब्लर, तो वहीं से हम ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, अभी हम जो इसको सेव कर लेंगे अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, थोड़ा वेट करके। एंड यहाँ पे वीडियो जब तक हमारी सेव हो रही, जब तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है आप लोग को न्यू अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाकी हमारी वीडियो यहाँ पे सेव हो चुकी है, अब इसको हम लेके चलेंगे यहाँ से सीधा कैपकट ऐप में, ठीक है। तो आप हम कैपकट ऐप को हमने ओपन कर लिया, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जो हमने वीडियो भी एडिट करी है उस वीडियो को हम सिंपली ऐड कर लेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑडियो को ऐड करेंगे, ठीक है। ऑडियो अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे जो है मतलब कि वीडियो में एनिमेशन लगाने, तो ऑडियो हमने ऐड कर लिया है। ऑडियो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही, तो आपको जो है वीडियो में थोड़े से स्प्लिट लगा लेना है जहाँ जहाँ पे हम एनिमेशन लगाने वाले हैं,
ठीक है, और जितनी वीडियो है मतलब जितना ऑडियो है उतनी ही वीडियो रखनी है आपको, ठीक है। एंड इसके बाद जो है बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना है, तो हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए फिल्टर को भी डिलीट कर देंगे। अब देखिए वीडियो का हम यहाँ पे प्ले करेंगे, वीडियो के ऊपर हम मतलब कि जो पे एनिमेशन लगाना उस पर टैप करेंगे और कॉम्बो में जाएंगे। कॉम्बो में जाने के बाद हम ये वाला यहाँ पे जो है एनिमेशन रखेंगे, और उसके बाद जो है इसमें यहाँ से जो है मतलब कि एक स्प्लिट और लगाते हैं, और इफेक्ट वाले में जाएंगे यहाँ से एंड वीडियो इफेक्ट में जाएंगे। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो है आप लोगों को चले जाना है नेचर वाले ऑप्शन में, ठीक है। नेचर वाला एक मिलेगा आपको, तो वो थोड़ा लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, और नेचर वाले में जाके सबसे फर्स्ट वाला जो है लाइटनिंग क्रैक, ये वाला आपको लेना है, ठीक है इसको। एंड इसका जो लेंथ है ज़्यादा नहीं रखना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जो है इतना रखेंगे, एंड इसको जो है हम कॉपी करके जो है दो तीन जगह पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली कॉपी करेंगे, इसको ड्रैग करके इधर ले जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे इसका, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले जाएंगे, परफेक्ट है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो है एक ब्लर ऐड करेंगे, ठीक है, हलो ब्लर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीडियो में देखिएगा इस काफ़ी अच्छा लग रहा है थंडर इफेक्ट, ठीक है। जो मतलब कि जिस टाइप की हमारी वीडियो है उस हिसाब से ये थंडर इफेक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फ्री करना है, यहाँ पे एक एनिमेशन ऐड कर लेंगे हम ये वाला, ठीक है। ये शेक इफेक्ट वाला ऐड करते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब एक इसमें भी ऐड कर लेते हैं, तो इसमें ये वाला रखेंगे हम, या ये वाला रख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अब इतना परफेक्ट है। अब इसके बाद एक इसमें और डाल लेते हैं, लास्ट हमारा रह गया ये वाला एनिमेशन, ठीक है। ये वाला काफ़ी अच्छा है, अब इतना परफेक्ट है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब जो है यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये, एंड एनिमेशन वगैरह सब मैच कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जब आप लोग इतना काम कर लोगे तो आप लोग को जो है यहाँ पे हम यहाँ पे ब्लर तो ऐड कर सकते हैं अभी हम, ठीक है। बट अभी क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ पे एक एनिमेशन देख लेते हैं पहले, ये वाला इनमें से कोई है तो नहीं रहा है। तो अभी क्या करते हैं हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे बेसिक में चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इधर, और यहाँ पे जो है मतलब पहले स्टार्टिंग में चलते हैं, फिर वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, एंड यहाँ से फिर बेसिक में चलेंगे, ठीक है ये रहा। एंड यहाँ से जो है सेकंड वाला हेलो ब्लर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो सेटिंग में क्या करेंगे, अब जो है इंटेंसिटी इसको हम फुल कर देंगे, एंड स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको डन करेंगे यहाँ पे, एंड जो इसकी लेंथ है थोड़ी अपने अकॉर्डिंग रख लेना। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारी जो वीडियो इस टाइप की है, यहाँ से स्टार्ट हुई की एंड कुछ इस टाइप से अंदर से थंडर इफेक्ट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी कंप्लीट एडिट हो जाती है वीडियो, तो आपने जो है डेमो वगैरह तो सब देख लिया होगा स्टार्टिंग में, सब कुछ आपको पता लग गया होगा। तो बाकी आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।